नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। बुलंदशहर थाना औरंगाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी शहीद, दो बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश फरार। थाना अध्यक्ष औरंगाबाद में फोर्स के रात्रि में जहांगीराबाद परवाना रोड पर चेकिंग में मामूर थे कि बाइक सवार तीन व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिस पर जवाबी फायरिंग में दो बदमाश को गोली लगी है और एक बदमाश को तीन गोली थाना मोबाइल गाड़ी व एक गोली थानाध्यक्ष की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। मौके से एक बाइक व अवैध असलाह कारतूस बरामद हुए। दोनों बदमाश बांछी चल रहे थे, जिसमें से एक बदमाश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। घायल दोनों बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण सातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नन्हे उर्फ नूर मोहम्मद सातिर किस्म का पशु चोर है तथा अभियुक्त जब्बार भी पशु चोर व लुटेरा है। अभियुक्त जब्बार उर्फ चूहा द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपराध करित कर अपने निजी स्वार्थ के लिए भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशा से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। अभियोग में अभियुक्त जब्बार लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बुलंदशहर से चैनल इंडिया लाइव के लिए अनिल कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।